Hello, hi, most welcome. It's time for this one. Let's learn a new lesson today. That is being considerate. So, what is being considerate? Got it. What is being considerate? So, we learn this lesson today because we are going to be a fantastic English speaker this time. And please say with me, I can speak in English. I will speak in English fluently because now we are learning intermediate level, right? So, what are we going to learn in this lesson? Guess कि आज क्या सीखने वाले इस लेसन में बड़े ही fantastic से learnings हैं क्योंकि being considerate upgraded version है lesson being polite का जो lesson हमने basic level में किया था याद है being polite उसी का upgraded version अपर लेवल हायर वर्जन है ये है बीइंग कंसिडरेट जो हम लोग सीखने वाले हैं अपने इस इंटरमीडिएट लेवल में तो क्या है इस लेसन के हाइलाइट्स हम लोग सबसे पहले रिकैप करेंगे फिर बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की फिर एक इमेज एक्टिविटी होगी कि क्या है उस इमेज में आप लोग फाइंड आउट करोगे फिर गुड समैरिटन वर्सेस बाईस्टैंडर्स इस पर डिस्कशन होगा एट रूल्स ऑफ बीइंग कंसिडरेट क्या एट रूल्स है जिससे पता चलता है कि आप में एटिकेट है मतलब कि तमीज़ है और बीइंग कंसिडरेट आप कंसिडरेट पर्सन हो ये एट रूल्स हम ऑडियो वीडियो के जरिए सीखेंगे एक शॉर्ट सा वीडियो भेजने वाला हूँ इस पर कीबोर्डिंग स्किल एंड जॉब्स कीबोर्डिंग स्किल जॉब्स से कैसे रिलेटेड है क्या कौन से ऐसे जॉब्स हैं जिसमें कीबोर्डिंग इम्पॉर्टेंस रोल रखता है बिना कीबोर्डिंग के आपकी वो जॉब लगेगी नहीं उस पर बात करेंगे और कैसे कीबोर्डिंग को एक एक्सपर्ट लेवल पर ले जा सकते हैं एक्सपर्ट कीबोर्ड मतलब टाइपिस्ट बन सकते हैं ये बात करेंगे फिर फीडबैक करेंगे अपनी पांच लर्निंग पे जो आज पांच चीज़ें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं एटिकेट इसको एटिकेट कहते हैं कंसिडरेट इनकंसिडरेट गुड समैरिटन एंड बाईस्टैंडर्स ये पांच चीज़ों पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और लास्ट में फीडबैक भी करेंगे ओके सो चलिए सीखते हैं आज का लेसन फैंटास्टिक लेसन दैट इज बीइंग Everyone, let's have a look on the recap question. That is, what is that? We are going to share our learning, our understanding that what did we learn in the last lesson going to the doctor? What did you learn in the last lesson going to the doctor? ये नहीं बताना है क्या क्या points थे कोई नहीं बोलेगा कि हाँ क्या क्या points है कि types of doctor, types of medicine, types of first aid or quick and all. तो ये चीज़ें आपको नहीं बतानी है आपने personally क्या सीखा है You are going to share that point. What is your understanding? What is your learning in the last lesson? And what was our last lesson? Going to the doctor. Doctor, yes. So today we have very fantastic question of the day. That is all about 15th of August, Independence Day. So people, the question of the day for you is, why do we Indians celebrate 15th of August, or in another name, Independence Day. So how do we pronounce? कैसे pronounce करते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 level होता है देखिए Independence. एक दो तीन चार 4 levels होते हैं Independence. दोहराई में साथ Independence Day. So, why do we celebrate 15th of August or Independence Day? क्यों celebrate करते हैं? और एक छोटा सवाल इसके साथ में, when, who and where? कब, किसने और कहाँ was the first Independence Day of India celebrated? इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया और किसने और कहाँ पे सेलिब्रेट किया किसने सबसे पहले मतलब झंडा फहराया था इंडिपेंडेंस डे पहली बार मनाने का मतलब ये है कि सबसे पहली बार जो इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया जो है इंडियन फ्लैग को रेज किया गया फहराया गया तो पहले सबसे पहली बार किन्होंने फहराया क्या नाम था उनका
who was that person? और कौन सी वो जगह थी जहाँ पे पहली बार first time फहराया गया? Okay? So when, who and where? Okay? Come up with a fantastic answer, everyone. I hope you know. So people here, my question for you, very simple question. What comes in your mind? What comes in your mind when you see the word being considerate? See the words. जब आप इन दो वर्ड्स को देखते हो being considerate, तब आपके दिमाग क्या आ रहा है? What should the meaning of this word? इनके क्या मीनिंग हो सकते हैं आपके हिसाब से? Please tell me. एक हिंट देता हूँ यहाँ पे. It's a upgraded version of being polite. अगर आप पोलाइट हो तभी considerate हो सकते हो, ठीक है? क्योंकि पोलाइट से भी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अपर वाला वर्जन जो होता है एक इंसान का, वो बींग कंसिडरेट होता है. तो आपके हिसाब से बींग कंसिडरेट क्या है? What comes in your mind and what is being considerate? Why this lesson is here? Think for 5 seconds. Write in the comment section right now. Just stop the video and write in the comment section. 5, 4, 3, 2, 1. So, what is being considerate? सबसे पहले जानते हैं पोलाइट होना क्या होता है. कि अगर आप किसी को, आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप थैंक यू कहते हो, और किसी से आप कुछ कहना करवाना चाहते हो तो आप प्लीज़ कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो. यानी कि अरे काम कर मेरा, ऐसा नहीं, प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर मी. आप रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज़ कहते हो, थैंक यू कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी पोलाइटनेस दिखाते हो. सिर्फ वर्ड से ही पोलाइटनेस नहीं दिखती, आपसे गलती हो जाए तो आप सॉरी भी कहते हो. सॉरी ऐसा वाला सॉरी नहीं, आपकी टोन, जेस्चर, आपकी फीलिंग में दिखना चाहिए. दैट इज पोलाइटनेस इन रियलिटी. ओके, सो बीइंग कंसिडरेट क्या है? इसका अपर वाला वर्जन है. अब इफ मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हो और अचानक से आपने देखा एक रिक्शे वाला जो है अपने पैसेंजर्स को नहीं खींच पा रहा, और आप क्या कर रहे हो, उसमें अपनी बाइक से या साइकिल से उतर कर उसको धक्का लगा दे रहे हो, या आप ऑन फुट आप वॉक कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उनको धक्का लगा के आगे कर दे रहे हो. कोई ठेला वाला है, कुछ खींच रहा है ठेला वाला, और नहीं खींच पा रहा है, गड्ढे में फंसा हुआ है, उसके बिना बोले हुए आप गए और उनकी हेल्प कर दे रहे हो, धक्का लगा दे रहे हो. कोई रोड क्रॉस करना चाह रहा है, ठीक है, पर नहीं कर पा रहा, तो आप वहाँ पे बिना उनकी हेल्प मांगे हुए, कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हेल्प की जिनको बहुत ज़रूरत होती है लेकिन वो शर्मिंदगी के, बिकॉज ऑफ शाइनेस, वो आपसे हेल्प नहीं मांगते हैं. बट इफ़ यू हेल्प दोज पीपल, दे आर रियली ग्रेटफुल टू यू, बहुत अच्छा फील करते हैं, और उनकी रूह से, आत्मा से दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है, ठीक है? तो ये होता है कंसिडरेट होना, कि आप किसी के बोले बिना, किसी के कुछ कहे बिना आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनके लिए कुछ करते हो. मान लीजिए कोई भूखा है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सपोज डेट, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत से लोग, 90% लोग क्या करते हैं, वो चल देते हैं, देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, चलते रहते हैं. लेकिन अगर आप वहाँ पर रुक करके उनकी हेल्प करते हो, 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस वाले को बुला देते हो और एम्बुलेंस को कॉल कर देते हो, दैट मीन, इट्स मीन कि आप कंसिडरेट हो, ठीक है? I hope the meaning of being considerate is clear to you. So now you are going to come up with the 2 sentences which will be clearly showing that what is the meaning of being considerate in your understanding. So my question for you, what are you considerate in your life? Kya kabhi aap apni zindagi mein considerate hue? When and why? Very simple. Kya kabhi koi aapke liye considerate hua? Think about it and answer. So now people, a new word I'm going to introduce here, that is Good Samaritans, and second is bystander. So what is your understanding, what comes in your mind? मतलब कि ये नहीं कह रहा कि आप एकदम गूगल सर्च करके मीनिंग आप ले आओ, आपको पता ही हो नॉलेज. जब इन दो वर्ड्स को आप देखते हो तो what comes in your mind, आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या होना चाहिए इसका मीनिंग? Can you guess? What do you understand by good Samaritans and bystanders? What are the meanings of these two words, good Samaritans and bystanders? What is your understanding? Please share. Think about it. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. I hope आपने वीडियो को रोक करके कमेंट सेक्शन में जाके लिखा है.
प्लीज़ लिखते रहें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स पे मैं फीडबैक देता हूँ। आपका जो कि वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो कमेंट सेक्शन नहीं है, ये आपका राइटिंग सेक्शन है। आप जो भी यहाँ पे लिखते हो इस पे मैं प्रॉपर फीडबैक देता हूँ। जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी आप अच्छा करते हो उस पे प्रॉपर फीडबैक आता है। कोई भी गलती नहीं होती है तो उसको लाइक ज़रूर करता हूँ। सो प्लीज़ कीप राइटिंग बिकॉज इट्स योर राइटिंग प्रैक्टिस। सो गुड समेरिटन्स क्या होता है, बाईस्टैंडर्स क्या होता है? मान लीजिए कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर लोग वैसे होंगे जो आएंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, सेल्फी ले लेंगे और वीडियो बनाएंगे, हाँ भैया ऐसा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग करके उसके चलते बनेंगे, ऐसे लोग जो आए जिन्होंने बेसिकली जो इंजर्ड थे, जो बेचारे जिनको हेल्प की ज़रूरत थी उनकी हेल्प ना करके आए, देखा चल दिया, वैसे लोग कहलाते हैं बाईस्टैंडर्स, या फिर खड़े होकर तमाशा देखने वाले को कहते हैं बाईस्टैंडर्स। और गुड से मैविडेंस उनको कहते हैं कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तुरंत उन्होंने कॉल किया एम्बुलेंस को, थाना को और लोगों को वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए मौजूद कराया, और नहीं तो खुद ही हॉस्पिटल पहुँचा दिया, हॉस्पिटल लेके चले गए। तो ऐसा जो लोग करते हैं उनको कहते हैं गुड समैरिटन्स। सो हु आर यू, माई क्वेश्चन फॉर यू, हु आर यू एंड वाई, आप क्या हो, आप कौन हो, गुड समैरिटन हो और या बाईस्टैंडर्स हो, क्या हो आप और ऐसा आपको क्यों लगता है? सो प्लीज़ कम अप विद अ फैंटास्टिक आंसर, ओके एवरीबडी। सो हियर पीपल, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू विच यू आर गोइंग टू आंसर मी ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास। दैट इज व्हाई सम पीपल प्ले गुड समैरिटन्स रोल, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में गुड समैरिटन का रोल क्यों निभाते हैं, जबकि बट सम प्लेज बाईस्टैंडर्स, जबकि कुछ लोग बाईस्टैंडर्स की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। सो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गुड समैरिटन का भी रोल निभाया होगा, कभी ना कभी बाईस्टैंडर्स का भी रोल निभाया होगा। सो प्लीज़ टेल मी, व्हेन डिड यू प्ले अ रोल ऑफ अ गुड समैरिटन्स एंड व्हेन डिड यू प्ले अ रोल ऑफ अ bystander in your life? आपने कब अपनी जिंदगी में गुड समैरिटन और bystanders की भूमिका निभाई है? ऐसा कोई इवेंट है तो प्लीज़ एक्सप्लेन करें, ओके? अब कोई ना कोई एक इवेंट होगा, यू आर गोइंग टू शेयर दैट, बी रेडी। नेक्स्ट थिंग, डू यू नो अबाउट अप्रैल 2016 रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था फॉर गुड समैरिटन की, जो भी लोग रोड पे चल रहे हैं, लोगों की हेल्प करेंगे एक्सीडेंट के केस में, उनको गुड समैरिटन का टैग दिया जाएगा। प्लस पहले जो लोग डरते थे कि कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे किसी की हेल्प करने के बाद, पुलिस वाले टॉर्चर करेंगे और हो सकता है बहुत सारे पचड़े में फंसना पड़ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि जो भी एक गुड समैरिटन की रोल को प्ले करेंगे, जो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स जो भी होंगे उनको अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उनसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा, इवन कि उनका नाम तक डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। पुलिस या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के लोग उनको टॉर्चर नहीं करेंगे, उनसे गवाही के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव या प्रेशर नहीं लगाएंगे, कोई प्रेशर नहीं करेगा, ठीक है। और वो जब चाहें पेशेंट को पहुंचाकर, इंजर्ड को पहुंचाकर वो जा सकते हैं। सो इसको कहते हैं अप्रैल 2016 रूलिंग। देखिए ये मैंने आर्टिकल निकाला था नेट से आपके लिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। क्या करना है आपको, वीडियो को रोक देना है और पॉज करके इसको पढ़ना है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक है। बीइंग कॉन्सिडरेट, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम अप्रैल 16, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। ये मैंने लिया था www.indianexpress.com से उठाया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, वेरी लास्ट क्वेश्चन, वाई आर सम पीपल कंसिडरेट एंड अदर्स आर नॉट? कुछ ही लोग कंसिडरेट क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? वाई ओनली अ फ्यू पीपल आर देयर हु आर कंसिडरेट बट अदर्स आर नॉट, वाई, क्यों होता है ऐसा? प्लीज। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस सेक्शन वी हैव अ फैंटास्टिक क्वेश्चन फॉर यू, हाउ अदर्स शो देयर कंसिडरेट फॉर यू? बाकी लोग आपके लिए कभी कंसिडरेट शो करते हैं? कभी किसी ने शो किया है?
please share that event, and with that please share how do you feel then. आप जब कोई आपके प्रति आपके लिए कंसिडरेट शो करता है तो आपको कैसा फील होता है, कैसा फील होता है बताइए. या फिर अगर पास्ट में पूछूं तो हाउ अदर्स शोड दे कंसिडरेट फॉर यू, आपके लिए कैसा दिखाया था पास्ट में, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हाउ डिड यू फील देन, तब ये हो जाएगा हाउ डिड यू फील देन, तब आपको कैसा फील हुआ था. इफ़ आई शेयर माई इंसिडेंट आई वुड लव टू शेयर दैट. एक्चुअली इट वॉज फर्स्ट टाइम इन दिल्ली, आई वॉज इन कैंट एरिया. ओके सो एक्चुअली आई वेंट मीन्स आई अप्लाइड फॉर बीटेक इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया आफ्टर कम्प्लीटिंग डिप्लोमा, एंड माई सेंटर वॉज नियर बाई कैंट एरिया समवेयर, आई डोंट नो वेयर. इट वॉज टोटली लाइक रूरल एंड totally peaceful, totally strange area it was. I was not able to find even a one vehicle to reach my center. You know DTC bus, they stopped at one bus stop and asked me to please step down, this is your stoppage. I stepped down and I stood over there. I was not able to find even a person. It was totally like I am on an island where no human being exists. Some vehicles were coming but very fast, and I was scared I'll be able to appear in my exam or not. I was totally scared at that moment, and this story I am telling you of 2010. This story, this thing happened with me in 2010 or 11, and I was totally scared at that moment. Suddenly a car stopped in front of me, and at that time I was thinking like he will ask me about the address of somewhere, as like I was expecting to ask, I was also willing to ask address of my center from somebody. So I was expecting that this car is going to stop to ask me address of somewhere, but what will I tell, I am also lost one. So but when the car stopped, that person opened his means a slide down the window, and gentleman, if I say that, good Samaritan, if I say that, good Samaritan asked me that, what happened, kid boy, are you lost? I thought that will he rob me if I said yes, agar maine haan kaha kahin mere ko loot ke to nahi bhag jayega. I was thinking like this, but still with a scared face I said no, actually I want to be at my center where I need to appear for engineering exam of Jamia Millia Islamia University, but I'm not able to find my address. So he asked me, show me your hall ticket. I showed him my hall ticket. He read the address and said, okay, it is in my route, but I'll leave you till the center. Come sit. I was scared, as I have watched a lot of Sawdhan India in my childhood. बहुत सारे सावधान इंडिया के एपिसोड देख रखे थे, डर भी लग रहा था, लेकिन मैं कार में बैठ गया. आई जस्ट मूव विद प्रेयर्स लाइक बचा लेना आज, आज के बाद किसी के साथ नहीं बैठूंगा, ऐसे किसी स्ट्रेंज बंदे के साथ नहीं बैठूंगा. ये प्रेयर्स चल रहे थे दिमाग में, बैठ गया. बट ही वॉज रियली गुड पर्सन एंड ही ड्रॉप्ड मी at my center in time. I appeared in the exam. Later on I cleared that exam and I completed my engineering too. So but this incident means at that time I was very scared when that person was asking, giving me help without my request. मतलब मैंने कहा नहीं, बट स्टिल बंदे को लगा कि इसको ज़रूरत है मेरे हेल्प की, और उसने उन्होंने हेल्प किया. तो जब हेल्प मिल गई तो उसके बाद मैं बहुत खुश हुआ. रियली आई थैंक्ड दैट पर्सन बाय हार्ट, दिल से बहुत शुक्रिया अदा किया, उनके लिए प्रे भी किया. थोड़े से एज वेड टाइप थे, बहुत प्रे किया उनके लिए, कि बहुत अच्छे इंसान थे. अगर वो नहीं मिलते तो शायद मैं एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाता और एग्ज़ाम नहीं दे पाता. तो आज मैं अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करा है मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, वो भी शायद नहीं हो पाता. जब इंट्रेंस में ही नहीं बैठूंगा तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा तो कोर्स भी नहीं हो पाएगा. सो आई रियली थैंक दैट पर्सन बाय माई हार्ट. आई डोंट नो हिज नेम, नाम नहीं पता मुझे, मैंने पूछा भी नहीं. And if I say he was really a good Samaritan of my life, first one.
और भी लोग आए ज़िंदगी में हेल्प करा। सो दिस वॉज एन इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। If you have an incident, please share. इसी के साथ we have one quotation like talk ideas, not people. Talk ideas, not people. मतलब idea की बात करो, लोगों की नहीं। Gossip demands and makes the gossiper small. तो इस quotation से आप क्या समझते हो? What does the quote say? ये quote क्या कह रहा है? What is your understanding? Please share in live class on. So dear students, now we have audio video section. So in this video we have a fantastic learning of etiquettes. Etiquettes means tameez hota hai, us karne ka sahi tareeqa hota hai, jisko kehte hain etiquette. Sahi tareeqa kisi cheez ko karne ka tameez agar keh lein to professionally. So kai baar aapke teachers, kai baar aapke boss ne bola hoga, is this the right etiquette dear to do the things? अगर आपने कहीं पर कोई गलती की, कोई बदतमीज़ी की तो चलिए बात कर लेते हैं और इसमें क्या करना है आपको। इस वीडियो में लगभग आपको 8 एटिकेट्स बताए गए हैं, सिखाए गए हैं। साथ में ये बताया गया है कि फ़ोन कॉल पे और कब कैसे इंसिडेंट में बात किया जाए। वीडियो जो है 4 मिनट के आसपास की है, फैंटेस्टिक वीडियो है, प्लीज़ इसको वॉच करें जो मैं इस लेसन के साथ आपको भेजने वाला हूँ आज। तो इसको देखें और देखने के बाद 3 सवालों के जवाब आपको लेके आने। सबसे पहला, Do you follow any of the etiquettes shown in the video? वीडियो में जो etiquettes सिखाए गए हैं आज, उसमें से कोई एक ऐसा है जो आप follow करते हो या एक से ज़्यादा हो तो please share करें, ठीक है। अगला, Next time you see a family member talk loudly on the cell phone, what would you say or do? अगली बार अगर आपको लग आपने देखा आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है और वो बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे या करोगे, कैसे उनको गाइड करोगे कि वो ऐसा ना करें, नॉर्मली सॉफ्टली बात करें, अच्छे से बात करें। If you were to adopt any of these etiquettes, which one would you adopt and why? जो 8 etiquettes सिखाए गए हैं उसमें से कौन सा वाला आप अगर adopt करना चाहो तो किसे adopt करोगे और क्यों? Please come up with a fantastic answer after watching this video, okay? So people, this is the correct way of sitting or correct posture of keyboarding. जब keyboarding करें तो इस तरीके से आपको बैठना, this is the proper keyboarding technique. Sit up right, आप एकदम straight सीधा बैठें, feet flat on the floor. देखिए बंदे का पैर कितना सीधा है, इस तरीके से पैर सीधा रखेंगे, ठीक है। Body centered on the letters G and H. G H पे center रखेंगे, elbows bent at side, fingers curved and resting on home row key. Home row key पे आपका हाथ उंगलियां होनी चाहिए, thumbs resting on space bar. अंगूठे दोनों कहाँ होने चाहिए? Space bar पे होने चाहिए. Eyes on your monitor. आँखें कहाँ होनी चाहिए? Monitors पे होनी चाहिए. ये नहीं कि हाँ नीचे देख रहे हैं। तो देखा ना, ये टेक्निक, ये तरीका होता है कीबोर्डिंग का जो हम लोग आज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कीबोर्डिंग टेक्निक के बारे में। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि आपको कीबोर्डिंग पहले मैंने बताया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो इन सवालों के जवाब आपको आज देने हैं। डिड यू प्रैक्टिस टुडे? कीबोर्डिंग की बात हो रही है, डिड यू प्रैक्टिस टुडे? क्या आज आपने प्रैक्टिस किया है कीबोर्डिंग के लिए? नहीं किया है तो अभी करें, कम से कम 5 मिनट के लिए करें, बट प्लीज़ डू इट। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, वी आर डूइंग कीबोर्डिंग। अगर आप कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर। नेक्स्ट, वेयर डू यू स्ट्रगल? आप कहीं पे परेशानी फेस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लेटर नहीं हो पा रहा या ये फिंगर सही से काम नहीं कर पा रहा या मैं सीधा नहीं बैठ पा रहा या पा रही, तो ऐसा कोई स्ट्रगलिंग पॉइंट है तो प्लीज़ शेयर करें। Do you know about some of the jobs that require proficient keyboarding skill? क्या आपको पता है कुछ jobs हैं, बहुत अच्छे jobs हैं जहाँ पे आपको keyboarding skill में आपको बहुत अच्छा, expert की बात नहीं करूँगा पर आपको आनी चाहिए। You should know the average knowledge or you should be able to maintain average speed while keyboarding. So do you know about some jobs like data entry, like telescriptor, like chrono encode, like editors in any media company, like bloggers, like story writers?
So there are lots of jobs in government jobs, data entry, telescripter, and stoner in the court. We need writing speed over there. So do you know this thing about there are lots of more jobs? Please tell me at least 5 jobs where we need to know we need keyboarding skill. Please tell me about 5 jobs, please. Next, what are the 3 parts of keyboarding? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखिए, अभी जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कीबोर्डिंग के 3 पार्ट्स क्या होते हैं. टी फॉर बताइए. एस फॉर क्या होता है, एंड ए फॉर क्या होता है. मैंने बताया लास्ट वीडियो में, आज आप बताओगे. राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखिए, अभी के अभी लिखिए, ठीक है. जल्दी से लिखना है, जल्दी फटाफट लिखना है. So students, now it's time for books exercise. So in lesson number 59, being considerate too, as we know, this is the upgraded lesson of being polite. So here, we are going to discuss this image first of all. So please look at this image. Please have a look on this image and look at this image from the news report and answer these 3 questions, 1, 2, 3, and 4. So first question for you all. What is the image about? तो ये जो इमेज है इसको देखिए और बताइए ये इमेज किस बारे में है, किस बारे में है ये इमेज. प्लीज आंसर. ये जो इमेज है यहाँ पे जो लोग हैं ये कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे. देखिए मोबाइल फ़ोन लेके सब फोटो बना रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ठीक है. तो आपको बताना है कि ये इमेज किस बारे में है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the people doing? लोग क्या कर रहे हैं. तो कोई पिक्चर ले रहा है, कोई वीडियो शूट कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है. तो इस तरीके से सब आप आंसर कर सकते हो. What should the people be doing? लोगों को क्या करना चाहिए. अगर आप कंसिडरेट पर्सन हो, यू आर अ कंसिडरेट पर्सन, तो आप एक गुड समैरिटन हो. तो एज अ गुड समैरिटन आपका क्या टास्क होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको. ये सब तो बाई साइडर्स की तरह खड़े हैं, क्या हमें इस तरीके से होना चाहिए बाई साइडर्स की तरह, या हमें एक गुड समैरिटन का रोल अदा करना चाहिए. नेक्स्ट वन. व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पर्सन हु हेल्प्स एन एक्सीडेंट विक्टिम. एक एक्सीडेंट विक्टिम को अगर कोई हेल्प करता है तो उनका क्या राइट होता है, बताइए क्या राइट होता है उनका. एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स न्यू लॉ, आपको जैसे कि मैंने बताया है कि उनका ये राइट है सबसे पहला कि उनसे कोई सवाल नहीं होगा, उनको पुलिस या फिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के लोग टॉर्चर नहीं करेंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़, वो जब चाहें विक्टिम क्या कहते हैं एक्सीडेंट विक्टिम को पहुंचा करके कभी भी जा सकते हैं. तो ये उन लोगों की राइट्स हैं जो एक एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हैं. और ये अब कानूनन रूल है 2006 के बाद से, लोग आपको अगर परेशान करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हो, लेकिन आपको हेल्प करना चाहिए एज अ बीइंग ए पर्सन बीइंग कंसिडरेट. तो चलिए बात करते हैं, अब इसको आपको पढ़ना है. 5 हैबिट्स ऑफ कंसिडरेट पीपल. 5 हैबिट, 5 जो चीज़ें हैं जो कंसिडरेट लोग करते हैं. एलन हॉल ने लिखा है अपनी किताब में, उस किताब से इसको लाया गया है यहाँ पे. प्लीज़ इसको पढ़ना शुरू करें, चलिए साथ में पढ़ते हैं. 5 क्या पॉइंट्स हैं पढ़ते हैं यहाँ से. बीइंग कंसिडरेट, प्रिजर्व, रीड विद मी. आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी, आपका तलफ़ुज अच्छा होगा. तो प्लीज़ रीड विद मी, या फिर एक बार सुन लें, दोबारा फिर से प्ले करके बैक करके प्ले करें और मेरे साथ पढ़ें, और एक बार ख़ुद से पढ़ें वीडियो को रोक कर. सो बींग कंसिडरेट ऑफ अदर्स विल टेक यू एंड योर चिल्ड्रेन फर्दर इन लाइफ दैन एनी कॉलेज और प्रोफेशनल डिग्री. मैरन राइट एडलम एलमैन. तो इन्होंने क्या कहा है इस भाई साहब ने, इन्होंने कहा कि कंसिडरेट होना आपको बहुत आगे ले जाएगा अपनी लाइफ में, वहाँ जहाँ कि आपको अपने कॉलेज की या प्रोफेशनल डिग्रीज भी नहीं ले जा सकती हैं. हियर आर 5 हैबिट्स ऑफ कंसिडरेट पीपल. 5 जो हैबिट हैं कंसिडरेट पीपल के क्या हैं, चलिए देखते हैं. द थिंक ऑफ अदर्स, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भी फिक्र करते हैं. Considerate people are capable of putting themselves in other people's shoes and choose to view the world beyond themselves.
सो अदर पीपल शू, ये एक तरह का प्रोवर्ब है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। देखिए पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या आना चाहिए, आप किस तरीके से आप कंसिडरेट हो सकते हैं। आई एम हियर, लेट्स रीड दिस फर्स्ट लाइन। थिंक दे थिंक ऑफ अदर्स, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे एक प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, अदर्स पीपल शूज, मतलब के दूसरे के फटे में टांगना आना नहीं है, ये है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के मैटर में जाकर उनकी मदद करने वाले। दे ऑफ स्माइल ऑफन, वे अक्सर स्माइल करते हैं, ठीक है, इन्हें कि खरूस की तरह या रूट पीपल की तरह या काबिल की तरह जो कुछ लोग होते हैं मुंह बना के रहते हैं, वैसा मुंह बना के नहीं रहते हैं, उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल होती है। द बॉडी यूजेस 42 डिफरेंट स्मॉल मसल्स टू स्माइल, वे एज अ फ्रॉन इज ईजी, इट टेक्स एफर्ट टू स्माइल टिल इट बिकम्स नेचुरल, रिमाइंड योरसेल्फ टू डेवलप दिस हैबिट। Open the door for someone you don't know, or maybe let them in the bus or train first. तो क्या है, स्माइल करना है और उन लोगों को जो भी आपके, जैसे कि आप बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं से भी निकल रहे हो, इवन कि घर के कमरे से बाहर निकल रहे हो, कोई इन कर रहा है, तो ये नहीं कि धक्का मार के पहले खुद निकलेंगे, आप उनको पहले निकलने दीजिए, उनको अंदर आने दीजिए, फिर आप निकलिए। तो ये पहचान है, हैबिट है बींग कंसिडरेट। अगला पॉइंट है हमारा, दे अंडरस्टैंड अदर पीपल्स नीड, वो क्या करते हैं, दूसरों की ज़रूरत को भी समझते हैं, ये नहीं कि सेल्फिश खुदगर्ज़ की तरह सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, सिर्फ अपने नीड्स की परवाह करते हैं। सिंपली आस्किंग समवन हाउ दे आर डूइंग कैन डू वंडर्स फॉर देयर मूड एंड सेल्फ स्टीम। इफ़ यू आस्क समवन हाउ इज़ योर डे, जस्ट टू बी नाइस, दैट्स बीइंग कंसिडरेट। तो किसी से पूछ सकते हो आप कैसे हैं, कैसा दिन रहा आपका, तो ये भी किसी का दिन बना सकता है, किसी को अच्छा फील करा सकता है। आप देखो कि आस पड़ोस के लोग अक्सर पूछते हैं कैसे हैं, ठीक है, नए खैरियत से। डू यू रियली वॉन्ट टू नो हाउ दैट पर्सन डे इज गोइंग, और इज इट समथिंग दैट वुड ऐड टू और चेंज योर लाइफ, स्पेशली इफ दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर, फ्रॉम द फेस ऑफ इट यू रियली डोंट वॉन्ट टू नो, you just ask the question because you want to make the person in front of you feel like they are valued, valued, and that's the point of being considerate in this situation, it's not the answer, it's the intention। अब देखिए, किसी से आप पूछते हो, किसी से हाल चाल लेते हो, किसी से हाई हेलो करते हो, किसी से कोई सवाल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब ही लेना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले की फिक्र करते हो, सामने वाले का सोचते हो, और उनको ऐसा फील होता है आपके पूछने से कि उनके भी वैल्यू है, वो भी इस दुनिया में कुछ अहमियत रखते हैं, उनको अच्छा फील होता है, और अच्छा जब फील होगा तो वो आपकी भी कदर करेंगे, आपकी भी के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे। दे शो गुड मैनर्स, जो कंसिडरेट पीपल होते हैं वो अच्छा मैनर दिखलाते हैं, किस तरीके से, बींग पोलाइट, डजंट बिगिन एंड एंड विद सेइंग प्लीज़, थैंक यू एंड यू आर वेलकम। अब देखिए, पोलाइट होने का मतलब ये नहीं है कि थैंक यू, प्लीज़ और वेलकम कह लिया तो पोलाइट हो गए, बिल्कुल नहीं, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी है, इसीलिए अपग्रेडेड वाला लेसन है आपके पास। द गोल्डन रूल इज ट्रीट अदर्स लाइक यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, फ्रॉम बींग पंक्चुअल, रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, to not taking over others, exercising self-control, to actively listening to what others have to say। तो क्या कह रहा है कि आप दूसरों को उस तरीके से ट्रीट करो जैसे आप खुद का ट्रीटमेंट चाहते हो कि लोग आपको वैसे ट्रीट करें। आप खुद को कैसा ट्रीट करवाना चाहते हो, तो जैसा भी आप खुद को ट्रीट कराना चाहते हो, आप हर दूसरे इंसान को भी, हर सामने वाले को वैसे ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि आप जब ट्रीट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख ही रहा है और आपको उसका बदला ज़रूर मिलेगा। आपको ऐसे लोग ज़िंदगी में ज़रूर मिलेंगे जो आपको उस तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हो। दे अपोलोजाइज, बहुत से लोगों को सॉरी कहने में बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। सम पीपल से सॉरी अननेसेसरी फॉर स्टैम फॉर डाइज मेकिंग others unhappy, some people don't apologize at all, appearing to be quite rude and insensitive। कुछ लोग बहुत बेवजह का सॉरी बोलते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सॉरी ही नहीं बोलना चाहते हैं, गलती होने के बावजूद कहेंगे क्या कि उसकी गलती थी, और अगर कोई इंसान ना मिले तो किसी नॉन लिविंग थिंग को ही कहेंगे कि हाँ अच्छा ये टेबल है ना, इसी की गलती थी कि ये सामान गिर गया।
पर अपनी गलती नहीं सकारते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं, तो ये बिल्कुल गलत आदत है। जो कंसिडरेट पीपल हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमेशा ही अपनी गलती मानते हैं। पर गलती मानने का ये मतलब नहीं है कि बेवजह का सॉरी भी बोलें। बेवजह सॉरी 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 करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपकी गलती हो आप सॉरी बोलें, जहाँ पे नहीं हो आप बताएं कि हाँ ये रीज़न था। लेकिन हमेशा दूसरों को ब्लेम करना इज़ नॉट द हैबिट ऑफ गुड पीपल। ओके नाउ, सो पीपल नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू कि आप इसका जवाब देने वाले हो। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ द आर्टिकल अबाउट, बताइए। रैपिड फायर राउंड हम लोग करने वाले हैं इस पे, आर्टिकल किस बारे में। ओके अगला, सेल्फ असेसमेंट, अपना असेसमेंट करेंगे कि आप कब कैसे करते हो। हाउ ऑफन ड्यूरिंग द डे डू यू थिंक ऑफ द नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में आप कब कितना सोचते हो। एक ऑलवेज है, मोस्टली है, समटाइम्स है, रेयरली है, नेवर है। क्विक आप रिवाइज कीजिए, क्विक जल्दी से बताइए कि ऑलवेज, मोस्टली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट लेसन में, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ किसको यूज़ करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। एक स्टूडेंट एक के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टिक करने वाले हैं यहाँ पे कि कब आप कितना सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोच, हमेशा सोचते हो दूसरों के बारे में, तो यहाँ टिक करेंगे। अगर कभी कभी सोचते हो, थोड़ा कम सोचते हो, अक्सर सोचते हो तो यहाँ, कभी कभी तो यहाँ, शायद कभी तो यहाँ, कभी नहीं तो यहाँ टिक करेंगे। क्लियर है। हाउ ऑफन ड्यूरिंग द डे डू यू स्माइल, कितनी बार स्माइल करते हो। मैं तो अक्सर करता हूँ, तो हमेशा नहीं हो पाता, लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है हमेशा, तो मोस्टली। हाउ ऑफन ड्यूरिंग डे डू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलती के लिए मैं कब माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर मेरी बात हो तो मैं तो हमेशा ही सॉरी बोल देता हूँ, आई डोंट फील सेम इन शेम इन सेइंग सॉरी। हाउ ऑफन ड्यूरिंग द डे यू ऑफर अ सीट टू समवन इन नीड, मैं तो जब भी मेट्रो या फिर DTC बस में चलता हूँ और मुझे लगता है कोई मुझसे ज़्यादा बूढ़ा है या लेडीज़ है या जिनको ज़रूरत ज़्यादा है सीट की, मैं हमेशा ही उनको सीट ऑफर कर देता हूँ। हाउ ऑफन ड्यूरिंग द डे डू यू अलाउ समवन एल्स टू एंटर फर्स्ट, नहीं मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि लोग एंटर करें पहले, फिर मैं जाता हूँ। डू यू फाइंड ईजी टू बी कंसिडरेट टुवर्ड्स सम पीपल और नॉट अदर्स, वाई, क्या सबके साथ कंसिडरेट होना आसान है, या कुछ लोगों के साथ कंसिडरेट होना आसान है, कुछ लोगों के साथ कंसिडरेट होना आसान नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों, बताइए। इन माई ओपिनियन इट्स नॉट ईजी टू बी कंसिडरेट विद एवरी वन, सबके साथ कंसिडरेट नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ आप कंसिडरेट हो सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको अच्छा फील होगा, उनको भी अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप कंसिडरेट फील होगा, करोगे, कंसिडरेट बनोगे, तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि मैंने तो हेल्प मांगा नहीं, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है हेल्प करके, मैंने तो कंसिडरेट बनने को कहा नहीं, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, ऐसे भी कुछ लोग की थॉट्स होती है। तो वहाँ पर बस अपना फ़र्ज़ अदा करना है, बाकी बदला हमेशा आप ये सोचिए कि जो आपको बदला देने वाला है वो ईश्वर, अल्लाह, भगवान है, ऊपर वाला है, आपको इंसान से बदला नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये सोच के करेंगे सामने वाला बदला देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हाउ कैन यू बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स दोज यू डोंट लाइक और नो, जिन्हें आप नहीं जानते उनके प्रति आप ज़्यादा कंसिडरेट कैसे हो सकते हो, या फिर डोंट लाइक, जिनको आप नहीं जानते या नहीं पसंद करते हैं उनके लिए कंसिडरेट कैसे फील कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी आपको देना है। अगला लेसन है कंसोलिडेशन, जो हम लोग, सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर बुक्स एक्सरसाइज, बुक्स के एक्सरसाइज करने के बाद अब फीडबैक राउंड है। फीडबैक राउंड में आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, वो ये है, इन एरिया ऑफ बीइंग कंसिडरेट, बीइंग कंसिडरेट, एरिया ऑफ बीइंग कंसिडरेट, कंसिडरेट होने के क्षेत्र में क्या करना है, आई कैन, आप क्या कर सकते हो वो बताना है। आई कैन हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स, दूसरा जैसे कि मैंने अपने लिए बनाया, आई मस्ट, जो आप नहीं करते थे लेकिन अब आप करोगे वो आपको लिखना है, आई मस्ट करके बनाना है सेंटेंस। अगला, वन न्यू थिंग आई लर्न टुडे, अब लेसन के बारे में है यहाँ पे, लेसन में आपने एक नई चीज़ क्या सीखी है, तो बताओगे वन न्यू थिंग आई लर्न टुडे इज, आपने जो सीखा है आज, एक नई चीज़, जो नए वर्ड, वो आप बताओगे।
उसके बाद इट कैन हेल्प मी इन बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ, जो भी आपने आज सीखा है वो आपकी ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए आपको आपको कामयाबी की तरफ ले जाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं ये बताएं। और सच में अगर आपने कुछ सीखा है, आपको लगता है आप सीख रहे हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दोज पीपल जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं, जो पोलाइट नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो उनको शेयर करो, बोलो कि हाँ भैया कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए एंड पोलाइट होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, अगले लेसन सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चलते हैं, अब देखते हैं 2 मिनट में हम लोग क्या करने वाले हैं।